हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू अनामिका क्रिएशंस। ये देखिए, आज मैं बहुत ही प्यारा सा पोचू बताने जा रही हूँ। ये 9 to 10 इयर्स गर्ल की पोचू है। ये देखिए, ये मैंने मेरी भतीजी के लिए बनाया है। कितनी सुंदर है ये, और डिजाइन इसकी ब्यूटीफुल डिजाइन है। ये देखिए, और ये पहन के चल के बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए, चारों तरफ से घूम के ये देखिए, ऐसा आप भी बनाएं और बना के ट्राई करें। तो चलिए, इसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत पोची है ये, पिंक कलर की। इसमें टोटल मुझे 500 ग्राम ऊन लग गए हैं। हाईनेक बनाया हुआ है मैंने इसमें। ये देखिए, ये हाईनेक बनी हुई है, और डिजाइन इसकी पत्ते जैसी, पीपल के पत्ते जैसी बनी हुई है, और जाली बीच में है। नीचे मैंने इसमें झालर लगाया हुआ है। तो चलिए, मैं अब इसकी प्रोसेस आपको बताऊंगी। तो ये पोचू को हम दो पार्ट में बना रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट में ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो दो पार्ट में बना रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का मैं आपको ये बता रही हूँ, आधा ये फ्लावर तक मैं फर्स्ट पार्ट का बताऊंगी आपको। उसके नेक्स्ट में मैं सेकेंड पार्ट का, नीचे का ये पोर्शन और ये गले का पोर्शन ऊपर का, मैं सेकेंड पार्ट में बताऊँगी। पोचू बनाने के लिए सबसे पहले हम गले का मेजरमेंट लेंगे। गले के मेजरमेंट के लिए हमने, देखिए, वो मैंने 9 से 10 साल की बच्ची का बनाया है। अब मैं छोटी बच्ची का बनाई हूँ, 5 to 6 इयर्स बेबी का बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने गले का मेजरमेंट लिया है। तो उसका गला बड़ा था, उसका 23 इंच का गला था, इसका 20 इंच का गला है। तो ये देखिए, 5 इंची ये हुई और 5 इंची ये हुई, 10 इंच का टोटल गला हो गया। 10 इंच और 10 इंच, 20 इंच का गला होगा। 20 इंच के गले के लिए मैंने 4 mm के क्रोशिए से चेन ली है। 4 mm के क्रोशिए से मैंने 22 इंच के लगभग चेन ले ली है। मैं चेन भी माप के बता देती हूँ आपको। ये देखिए, चेन को माप लिया। ये देखिए, 22 इंच के लगभग चेन हो चुकी है। अब चेन थोड़ी बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाती है। और गले का ये मैं 4 mm के क्रोशिए करूंगी, और नीचे का पोर्शन, इधर का जो ये पत्ती वाला पोर्शन बनेगा, वो 4.5 mm के क्रोशिए से बनेगा। तो गले की फिनिशिंग अच्छी आती है, और नीचे का पोर्शन भी अच्छा खुला खुला होता है। तो इसके बाद अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो चेन बना के अब मैं 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली मैंने। सिक्स चेन के बाद सातवें चेन पे हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये डबल क्रोशिया ले लिया हमने। उसके बाद दो चेन बनाएंगे, 1 और 2। दो चेन बना के 3 चेन छोड़ के चौथे चेन पे 1 2 3, फोर्थ चेन पे हम डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद फिर से हम 8 डबल क्रोशिया इसमें हम लेंगे। 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया 5 6 7 and 8 8 डबल क्रोशिया हो गए। काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया हो गए। 8 डबल क्रोशिया के बाद अब हम दो चेन लेंगे, 1 और 2। दो चेन लेके फिर 1 2 3 चौथे पे हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। डबल क्रोशिया लेके फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेके फिर सेम होल में, जिसमें डबल क्रोशिया लिया था उसी होल में, फिर से हम
डबल क्रोशिया ले लेंगे। उसके बाद फिर से दो चेन, वन टू, टू चेन लेके फिर से वन टू थ्री छोड़ के फोर्थ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे। फिर से वही हम आठ डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये मैं आठ डबल क्रोशिया ले लेती हूँ और आगे फिर से वही सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। एक बार और मैं करके बता देती हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव। अभी आठ डबल क्रोशिया ले ली मैंने, इसके बाद फिर से दो चेन लेके फिर से सेम वही प्रोसेस ये वाला ये बनेगा। ये तीन बार हम बनाएंगे, तो ये देख लेते हैं ये तीन बना के लेंथ के अकॉर्डिंग, गले की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो वन टू थ्री, फिर चौथे पे डबल क्रोशिया लेंगे, दो चेन ले लिए हमने आठ डबल क्रोशिया के बाद, फिर से तीन चेन, वन टू एंड थ्री, तीन चेन लेके फिर से सेम होल पे डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से दो चेन, फिर से वन टू थ्री के बाद फोर्थ पे फिर से सेम वही आठ डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये प्रोसेस हम कर लेते हैं कंप्लीट। अब ये हमारा आठ डबल क्रोशिया हो गया, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ डबल क्रोशिया के बाद अब हम बीच का पोर्शन बनाएंगे ताकि ये ऐसे ये हमारा ये मुड़ जाए, ये वाला पोर्शन अब हमें बनाना है। तो ये पोर्शन के लिए हम वन टू, दो चेन लेंगे, उसके बाद वन टू थ्री फोर्थ पे सेम वही प्रोसेस डबल क्रोशिया लेंगे, एक डबल क्रोशिया के बाद तीन चेन, वन टू एंड थ्री, तीन चेन के बाद सेम होल में एक डबल क्रोशिया लेंगे। फिर उसके बाद तीन चेन, वन टू थ्री, और फिर एक डबल क्रोशिया। फिर दो चेन, तो ये हमारा ये कॉर्नर वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट जहाँ दो फ्लावर बनेंगे। तो ये हमारा ये ऐसे बन जाएगा। इसके बाद ये पोर्शन जो बना है वैसे ही सेम इधर भी बना देंगे। तो दो चेन के बाद फिर से फोर्थ लाइन पे हम वन टू थ्री के बाद फोर्थ पे एक डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया लेके हम पूरा यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमने ये पूरी लाइन बना ली है, ये देखिए तीन तीन की ये बनी है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तीन बनी है। और ये बीच में जो ये बनाया था ये कॉर्नर गले का बीच का पोर्शन बन जाएगा ऐसे। अब हम दो चेन लेंगे, दो चेन लेके, और अब इसको बराबर ये करके इधर लेंगे पहले, और इसमें जो ये तीन चेन ये ली थी, इसमें जहां से डबल क्रोशिया लिया था वहां पे हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। जिस होल से डबल क्रोशिया लिया था पहले छह चेन लेके सातवें पे, उसी होल में हम डबल क्रोशिया लेंगे, उसके बाद तीन चेन, वन टू थ्री, तीन चेन लेके इसकी जो तीसरी वाली चेन है, वन टू थ्री, तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे।
देखिए बन गई। और इसको हम यहाँ पे ले आके बंद करके और धागे से इसको सिल देंगे या बंद कर देंगे, ये एक्स्ट्रा चेन हमारी हट जाएगी। उसके बाद अब हम इसी के ऊपर से तीन चेन लेंगे, 1 2 3, तीन चेन लेके अब इसमें हम 9 डबल क्रोशिया लेंगे। ये 3 चेन जो है ये एक डबल क्रोशिया में काउंट हो गई, 1 ये 2 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चेन हो गई, डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद अब हमने 2 चेन लेनी है, 1 2, अब हम मोटी वाली ये 4.5 mm के क्रोशेट से बनाएंगे। ये मैंने एक बना दी थी तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे पे हम फ्रंट पोस्ट, ये देखिए पीछे से ऐसे लेके और इसे ऐसे डबल क्रोशिया लेंगे, तो इसे फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। इसको भी ऐसे ही ये ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे से लिया, इसके आगे निकाला पीछे से लेके और फिर ये डबल क्रोशिया लिया, 2, फिर से 3 4 5 एंड 6, 6 डबल क्रोशिया लेंगे। अभी एक एक छोड़ते जाएंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा बनेगा, ये देखिए ये जो गले का पोर्शन है ये बनेगा और ये वाला पोर्शन ये फ्लावर का बनता जाएगा। तो मैं अच्छे से आपको समझा के इसलिए बता रही हूँ। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, अब इस वाले पे जहाँ हमने 3 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डबल क्रोशिया लेके फिर से 2 चेन लेके, 1 2, फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम, 6 डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पे वही प्रोसेस करेंगे और फिर ये कॉर्नर पे आके मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमने बना लिया है यहाँ तक, अब ये बीच वाले पोर्शन में हमने फिर से 10 डबल क्रोशिया बनानी है, तो हम एक में पूरा 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस वाले में भी सेम, ये 2 बनाई थी हमने, उसके एक में हमने 10 बनाई, दूसरे में भी सेम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद फिर से यही दो चेन लेके, अब ये इसके ऊपर फिर ये 6-6 डबल क्रोशिया और फिर ये 10, ऐसे करके ये पूरी लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पे आ गए हैं। अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा ये चेन है, इसे हमने क्या करना है कि ये तो 3 चेन हमारी ये हो जाएगी, और इस वाले में इसे घुसा के जहाँ से हमने डबल क्रोशिया लिया था उसी में घुसा के इसको बंद करके हम यहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है। तो इसे हम यहाँ से ये देखिए, तो अब ये हमारी ऐसे पूरी ये बन जाएगी। ये देखिए, ये वाली पोर्शन यहाँ और ये वाली पोर्शन यहाँ, देखिए। और अब हम ये हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया ले लिया है, और अब दो चेन लेके 1, 2 दो चेन लेके फिर से ये 3 चेन ली थी जो डबल क्रोशिया लेके, उसमें फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। अब यहाँ जो हमने 3 चेन ली थी उसके लास्ट वाले चेन से नहीं लेके, बल्कि इसके बीच में से ऐसे करके इसे हम बंद कर लेंगे स्लिप स्टिच से। फिर दो चेन लेके फिर से वही प्रोसेस, हमें ऊपर से ये एक 3-2 चेन जो लिए वो एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब ये फिर से इसे फिर से वही पूरा ये फ्रंट पोस्ट ही हमें बनाना है, इसके ऊपर से लेके हम ये 10 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया तो हमारी वो दो चेन हो जाएगी, और इसके ऊपर से पूरी ये हमने ले लेंगे ऐसे। ध्यान से देखिएगा हमने कैसे लिया है, ये ऐसे पूरी लेंगे डबल क्रोशिया, तीन बार तो 2 बार तो हमें पूरा ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर दो चेन लेके, ये अब हमारी 6 हो गई थी, अब हमारी 4 हो जाएगी, बीच के हम 4 लेंगे, साइड के एक एक छोड़ते चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4 फिर दो चेन लेके फिर से सेम वही प्रोसेस, इसके ऊपर से ऐसे 10 का 10 डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे, पूरा ये बुन लेते हैं। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे आके हमें 10ों के ऊपर सेम ये करना है। ये हम यहाँ पे आ चुके हैं ये कॉर्नर पे, जहाँ ये 2 10 10 डबल, तो इसमें ऊपर हम इसके ऊपर ऐसे ही सेम 10 डबल क्रोशिया लेंगे, और 10 डबल क्रोशिया के ऊपर भी सेम ऐसे फ्रंट पोस्ट लेना है। एक बार और नज़दीक से मैं करके दिखा देती हूँ। ये बीच में ये देखिए, ये डबल क्रोशिया है, इसके ऐसे नीचे से लिया और फिर इसे ऊपर करके फिर ऐसे लिया डबल क्रोशिया, फिर इसे 3, 4, 5, 6, 7
एट नाइन एंड ये टेन, ये दस डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर सेम दस इसमें है और दस इसमें है, फिर सेम वैसे ही इसके ऊपर भी टेन डबल क्रोशिया पूरा ले लेना है। फिर से वन, तो यहाँ पे ट्वेंटी डबल क्रोशिया कंटिन्यूस पूरा राउंड शेप, हाफ राउंड शेप बन जाता है, हाफ मुनी से कह सकते हैं आप। तो पूरा हम ये दस डबल क्रोशिया पूरा इसमें ले लेंगे। फोर हो गया, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन हो जाएगा। टेन, ये देखिए ये पूरा ये राउंड शेप बन गया। अब फिर से दो डबल क्रोशिया लेके इसमें ये छः है तो ये एक पहला छोड़ के दूसरे में बल लिया और डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, वन टू थ्री एंड फोर। अब फिर से ये पूरा ये लेके पूरी लाइन ये यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये रो के लास्ट में भी, ये थर्ड रो है हमारी, रो के लास्ट में भी सेम ऐसे ही ये टेन डबल क्रोशिया ले लेंगे हम। टू चेन ले ली है हमने यहाँ पे, उसके बाद ये टेन डबल क्रोशिया लेंगे इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। ध्यान से देखिएगा कैसे लिया है मैंने, इसके नीचे से ये डबल क्रोशिया निकाला और फिर से ऊपर ला के और फिर पूरे डिजाइन में ऐसे ही बनानी है हमें, बस सिर्फ फ्रंट पोस्ट ही बनाना है पूरा डबल क्रोशिया और चेन, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। और बहुत सुंदर बनती है ये पोंचू। अब ये एट नाइन एंड ये टेन, उसके बाद ये तीन चेन जो यहाँ से ली थी इसको ऐसे, ये दो चेन ली थी ना हमने, दो चेन को इसको ऐसे ये करके इधर से लेके और ऐसे स्लिप स्टिच से बंद कर लेना है। अब हमें इसके ऊपर दो चेन लेनी है, दो चेन का मतलब ये एक डबल क्रोशिया होता है। इसके बाद हमें फिर से इसी के ऊपर टोटल वैसे ही टेन का टेन डबल क्रोशिया। अब ये इसमें दो चेन है तो ये नाइन डबल क्रोशिया हो जाएगी पूरी। ये फोर हो गई, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड ये टेन। अब ये हमारी फोर्थ रो स्टार्ट हो गई, डिजाइन की थर्ड रो है और बेसिक रो से फोर्थ रो। अब फिर से दो चेन, अब हमारी दो चेन के बाद अब हमें एक डबल क्रोशिया लेनी है, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इसमें, दो फंदे उसी में रहने देंगे। फिर से सेकेंड वाले को, बीच वाले के दोनों को लेना है, फिर से ये लेके और तीनों को, इन फंदे रह जाएंगे, तीन को एक साथ ले लेना है। फिर से दो चेन लेके फिर से ये टेन डबल क्रोशिया हो जाएगी वापस से इसी में, ये टेन पे टेन, ये राउंड आप टेन डबल क्रोशिया वैसे ही ले लेना है।
तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे। अब ये कॉर्नर पे हम आ गए हैं बीच पे पॉइंट पे, तो बीच के पॉइंट पे हमने फिर से दो चेन लेके ये 10 डबल क्रोशिया ले लेनी है पहले। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। 10 डबल क्रोशिया होने के बाद ये बीच का पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये बीच का पॉइंट देख के ये यहाँ पे ये हमने जहाँ से पहला ये ख़त्म होता है 10 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन ले लेंगे, 1, 2 एंड 3। 3 चेन के बाद फिर से इस वाले पे 10 डबल क्रोशिया वापस से ले लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये पूरी लाइन हम ऐसे ही 10 के 10 कंप्लीट कर लेंगे और फिर ये दो ये लेके लास्ट तक यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब ये रो की लास्ट ये आ गई। अब यहाँ पे हमें ये लाइन नई शुरू करनी है, तो अब ये दो चेन लेके यहाँ पे जो हमने जब ये कॉर्नर शुरू किया था तो ये 3 चेन लेके बीच में ये फ्लावर की डिजाइन स्टार्ट नए फ्लावर की होगी। अब यहाँ 2 चेन लेके और उसके बाद जो यहाँ से जहाँ से हमने 2 चेन लिया था जॉइंट करने के लिए वहाँ से लेके स्लिप स्टिच से इसे पहले तो बंद कर लेंगे। अब इसके ऊपर 6 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 चेन लेके इसके ऊपर से यहाँ जो 2 चेन लिया था और बीच का जो ये होल है उस होल में घुसा के एक ये डबल क्रोशिया ले लेंगे। ऐसे डबल क्रोशिया ले लेंगे, उसके बाद 2 चेन और तब ये फिर ये जो एक हमने ये चेन लिया ये 2 चेन ये एक डबल क्रोशिया हो जाता है। अब इसके बाद हम ये एक छोड़ के एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे अब हम 8 डबल क्रोशिया लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8। ये वाला एक अब छूटने लग जाएगा। ये देखिए ये वाली फ्लावर की मैं बता देती हूँ आपको, ये वाली फ्लावर की ये 3 लाइन बन गई, 1, 2, 3। अब ये घटनी शुरू होगी, ये पत्ते की शेप अब बननी शुरू होगी और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे बना है ये 2 का 1 कर दिया है। अब यहाँ से हमें फिर नई डिजाइन शुरू होगी, तो इसका बेसिक रो अब तैयार होगा। तो अब ये 1, 2 दो चेन लेके बीच में हमें 2 चेन ही लेना है, ये 2 चेन की ही गैप रखनी है और इसके बीच में जहाँ से 2 का 1 किया था इसके बीच में से एक डबल क्रोशिया ले लेंगे, बल लेके डबल क्रोशिया लेके और फिर से 3 चेन, 1, 2 एंड 3। 3 चेन लेके सेम होल में एक डबल क्रोशिया ले लेनी, उसके बाद फिर से 2 चेन, 1, 2 और फिर से ये 8 डबल क्रोशिया लेनी है, बीच का एक साइड का एक छोड़ के फिर बीच के 8 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3
5, 6, 7 और ये 8, फिर दो चेन और फिर से सेम यही प्रोसेस, एक डबल क्रोशिया, तीन चेन, फिर एक डबल क्रोशिया सेम होल में, फिर दो चेन लेके ऐसे ही ये हम लाइन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर बीच में आते हैं। अब ये बीच के पॉइंट में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे भी एक ये छोड़ के बाकी ये 8 डबल क्रोशिया लेनी है हमने। 8 डबल क्रोशिया लेके दो चेन लेंगे, फिर जो ये बीच में 3 डबल क्रोशिया लिया था इसी में हम एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1, 2, 3 और फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन, 1, 2, 3 फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर दो चेन। ये देखिए दो चेन, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया और फिर से दो चेन। दो चेन लेके उसके बाद फिर से एक छोड़ के सेकेंड नंबर से 8 डबल क्रोशिया ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए ये हो गई। अब ये जो यहाँ है ये फ्लावर जो यहाँ से बनी थी, यहाँ से फिर ये नेक्स्ट दूसरी फ्लावर दो ऐसे बननी शुरू हो जाएगी। ये देखिए ये यहाँ पे हम आ चुके हैं ये वाले पोर्शन पे, ये हमने 3 ये लिया, ये इसके ऊपर से अब हमें दो फ्लावर अलग से फिर ये बनती चली जाएगी इसके ऊपर से। तो अब ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। अब ये लास्ट पे आ गए हैं यहाँ, ये देखिए ये कॉर्नर ये बन गई है। अब यहाँ पे दो चेन लेके फिर इसी होल में जिसमें दो चेन ली थी यहाँ कॉर्नर पे जहाँ से ये लिया था, और ये 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1, 2, 3 3 चेन लेके यहाँ पे जो हमने 6 चेन ली थी उसके तीसरे चेन पे 1, 2, 3 तीसरे चेन पे स्लिप स्टिच लेके बंद कर लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन लेके 1, 2, 3 3 चेन लेके इसमें वापस से 9 डबल क्रोशिया, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ये 10 डबल क्रोशिया हो गए, ये 3 चेन जो ली थी वो एक डबल क्रोशिया काउंट हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉरी एक एक्स्ट्रा हो गई, 10 ही कर ली। और अब दो चेन लेके 1, 2 फिर इसमें अब ये 8 था, अब इसके बाद एक छोड़ के फिर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएगी। उसके बाद फिर से इसमें सेम ही 6 डबल क्रोशिया ले ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर दो चेन लेके फिर ये 3 जो ये लिया था इसमें फिर से 10 डबल क्रोशिया ले लेंगे और ऐसे ही ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये 10 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से अब ये दो चेन लेके
ऐसे हम ये लाइन कंप्लीट कर ले। अब ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे भी दो चेन लेके और सेम यहाँ ये 10 डबल क्रोशिया जो ये बनी है यही वाली यहाँ पे दोनों होल में तीन में 10 डबल क्रोशिया बना लेनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सेम इतना ही इधर में भी बना लेंगे। कॉर्नर पे आ गए हैं हम। अब यहाँ पे हमें फिर से ये 10 डबल क्रोशिया इधर जो हमने ये लाइन स्टार्ट करेंगे ये लाइन के एंड पे आ गए हैं बिल्कुल जो हमारी फोर्थ रो है उसके एंड पे आ गए हैं। सेवेंथ रो को तक की ये डिजाइन है पूरी पत्ती बन जाएगी उसमें। तो इसमें अब ये 10 डबल क्रोशिया फिर से ले लेते हैं हम। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डबल क्रोशिया लेके अब ये फिर से वही दो चेन जो ली थी इसके नीचे से ऐसे लेके स्लिप स्टिच लेके इसे बंद कर लेंगे और फिर से सेम वही प्रोसेस दो चेन लेके और इसके ऊपर से फिर वही 10 डबल क्रोशिया ले लेंगे। 10 डबल क्रोशिया लेके इसके ऊपर से फिर यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशिया बनेगी। फिर ये दो डबल क्रोशिया लेके ऐसे ये फ्लावर बनेगी। ऐसे ये कंप्लीट होगी लाइन एक दो ये लेके। अब ये फिर ये 4 डबल क्रोशिया दो चेन ये 10 डबल क्रोशिया ले लिया इसके ऊपर फिर ये वाली लाइन बन रही है हमारी ये सेकंड लाइन। उसके बाद ये थर्ड लाइन से फिर हमारी ये बननी शुरू हो जाएगी। तो ये लाइन हम अब ये 4 डबल क्रोशिया दो चेन लेके इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनेगी फिर से। तो ये लाइन ऐसे ही पूरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। 1, 2, 3 and 4 फिर दो डबल क्रोशिया और फिर ये बनेगी। तो ये हमारी मैं आपको बता देती हूँ ये हमारी ये रो बन रही है ये वाली रो बन रही है सेकंड रो। यहाँ से ये बन गई एक लाइन ये सेकंड रो बन रही है इसकी दूसरी डिजाइन की। अब यहाँ से फिर ये तीन लाइन होने के बाद ये डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी ऐसे दो ये होके। तो ऐसे करके हम पूरी ये 4 या 5 जितनी हमें लाइन चाहिए ये मैं 5 से 6 साल की बच्ची का बना रही हूँ। पहले वाली मैंने 9 से 10 साल की बच्ची का बनाया है तो उसमें मैंने ये वाले पत्ती 7 डाले थे इसमें मैं 6 डालूँगी। तो 6 लाइन ऐसे ही पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 फ्लावर ऐसे पूरे बनते चले जाएंगे। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब ये फिर से इसके स्टार्टिंग पे आ गए हैं। तो ये इस पे जॉइंट पे स्लिप स्टिच बंद करके फिर दो चेन लेके फिर से वही 10 डबल क्रोशिया ले लेंगे क्योंकि ये इसकी फ्लावर की तीसरी लाइन है और ये बेस इसकी एक लाइन की ये बेस बनती है उसके हिसाब से ये चौथी लाइन है। उसके बाद फिर से ये दो ये कॉर्नर पत्ती बन जाएगी। ये 10 डबल क्रोशिया लेके अब दो चेन ले लिए। अब इसमें फिर वही 4 में से अब 2 बीच वाले को लेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इसमें 2 रह जाएंगे। उसके बाद फिर सेकंड वाले पे लेके फिर ये देखिए ये 2 साइड के छोड़ देंगे और बीच वाले दोनों पे लेके अब ये 3 रह जाएंगे फंदे। तो 3 का एक कर लेंगे एक साथ ऐसे निकालेंगे और फिर से ये 2 चेन ले लेंगे। तो ये देखिए ये ऐसे ये फ्लावर बन गई हमारी। देखिए ये फ्लावर बन गई। अब ये ऐसे ही पूरी ये बनती चली जाएगी।
ये ऐसे ही पूरी ये बनती चली। मैंने इसका गला भी बना लिया है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। हाईनेक बना रही हूँ इसकी, तो चलिए ये ऐसे ही अब पूरा हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ के बाद लास्ट फिनिशिंग कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको, और वो सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, और बाकी का पोर्शन हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे।